तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम फोर्थ सेम की एडवांस अकाउंटिंग की बुक से चैप्टर एंड टॉपिक हायर परचेज सिस्टम। तो गाइस, इस वीडियो में देखेंगे कि आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एंड प्रीवियस ईयर के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होके आएगा एंड कैसे आपको उसका आंसर देना है, तो इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करना एंड प्लीज़ गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर गाइज आप स्किप करोगे तो आपको आगे वाले टॉपिक हैं जो वो समझ नहीं आएंगे। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बनता है, ये आपका बनता है लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आपके 15 मार्क्स में आते हैं एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो आपका बनता है व्हाट इज़ हायर परचेज सिस्टम, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन हायर परचेज ट्रांजैक्शन। नंबर वन आपसे पूछा गया है हायर परचेजर, नंबर बी हायर वेंडर कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस एंड लास्ट आपसे पूछा गया डाउन पेमेंट क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है इस लॉन्ग क्वेश्चन में, कि हायर परचेज सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हायर परचेज होता क्या है। तो गाइस, हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो सेलर है ना, वो गुड्स को डिलीवर करता है बायर बायर को, जब वो सारी इंस्टॉलमेंट्स दे देता है या फिर ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट। मतलब हायर परचेज सिस्टम में जो सेलर होता है वो बायर को तभी जो गुड्स हैं वो किस बेसिस पे क्या करता है, डिलीवर करता है ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या बनता है, एक हायर परचेज एग्रीमेंट बनता है दोनों बायर एंड सेलर के बीच में। तो इस सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं, वो देख लेते हैं वन बाय वन। तो गाइस, पहला फीचर आ जाता है जो गुड्स आर डिलीवर टू कस्टमर अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। मैंने आपको पहले बताया जो गुड्स हैं वो कस्टमर को डिलीवर हो गए, ठीक है, बायर को डिलीवर होंगे जब अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। दूसरा आ जाएगा सिर्फ पोजेशन ऑफ जो गुड्स हैं, सिर्फ गुड्स उसके पास जाएंगी बट ओनरशिप उस किसके पास, कस्टमर के पास पोजेशन चले जाएगी, मतलब गुड्स चले जाएंगे उसके पास पर वो ओनर नहीं बनेगा अभी, ठीक है। बायर एग्री टू पे अ कैश प्राइस ऑफ आइटम विद इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट्स। जो बायर होता है, जो कस्टमर है, वो एग्री होगा अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट कि वो क्या करेगा, कुछ कैश प्राइस देता जाएगा, हर मंथ देगा, या ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि 4 महीने में देनी है, जैसे इंस्टॉलमेंट्स देते हैं ना वैसे ही। मतलब जो बायर है वो क्या करेगा, सेलर को एक कैश प्राइस देगा कुछ इंटरेस्ट के हिसाब से, जो इंटरेस्ट उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, ईच इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज हायर चार्ज टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। मतलब वो इंस्टॉलमेंट पे करता जाएगा, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा ना, उसके बाद ही जो ओनरशिप है वो सेलर बायर को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि सिर्फ पोजेशन ऑफ गुड्स है बायर के पास, अभी ओनर नहीं बना। जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट सारे इंस्टॉलमेंट्स पे कर देगा विद इंटरेस्ट, तभी उसको ओनरशिप दी जाएगी सेलर की तरफ से बायर को, ठीक है गाइस। तो अगर जो बायर है वो कोई भी एक इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाता है, तो सेलर के पास एक राइट होता है कि वो गुड्स को रीप्रोसेस कर सकता है। अब ये रीप्रोसेस क्या होता है, तो गाइस रीप्रोसेस क्या होता है, रीप्रोसेस का मतलब होता है जैसे उसने उसको गुड्स दे दिए थे कि भाई जब तू सारी इंस्टॉलमेंट मुझे इंटरेस्ट के साथ दे देगा, मैं इसकी ओनरशिप भी तेरी, सिर्फ गुड्स दे दिए हैं। मान लो वो नहीं दे रहा, उसने एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, दो नहीं की, तो क्या करेगा, जो सेलर के पास ये हक होता है वो गुड्स वापस ले लेगा, अपने पास ले लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बन जाता है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है, एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला बेसिस आ जाता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं, हायर परचेज एग्रीमेंट में कौन सा एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग, और इंस्टॉलमेंट परचेज एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट होता है वो किसका होता है, सेल का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम में सेकंड आ जाता है बेसिस पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, सबसे पहले हायर परचेजर और दूसरा होता है हायर वेंडर। हायर परचेजर कौन हो गया, हमारा बायर, हायर वेंडर कौन हो गया, हमारा सेलर। और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में हम क्या कहते हैं, बायर एंड सेलर। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, हायर परचेज सिस्टम में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप तब तक नहीं दी जाएगी जब तक सारी इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट दी जाएंगी सेलर को। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, उसी वक्त ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है बायर को, ठीक है। उसके बाद है रीप्रोसेस, रीप्रोसेशन ऑफ गुड्स में क्या होता है कि हायर परचेज सिस्टम में वो उसके सेलर के पास ये हक होता है कि वो अपनी गुड्स वापस ले सकता है अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है पेमेंट में, ठीक है। तो बट अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की,
तो इसमें क्या होता है, हम रीपोजेशन क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते। उसके बाद फॉरफीचर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है हायर परचेज सिस्टम में तो इंस्टॉलमेंट जो बायर पे कर रहा है टिल द डेट ही इज़ लाइबल टू फॉरफिट एंड ट्रीटेड एज हायर चार्ज। ओके गाइज, एंड उसके इंस्टॉलमेंट में केस में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट आ जाएगा राइट ऑफ डिस्पोजल, बायर कैन नॉट हायर आउट, सेल, ट्रांसफर, प्लेज, डिस्ट्रॉय और डैमेज द गुड। अब जो बायर है, बायर के पास ओनरशिप तो गई नहीं है हायर परचेज सिस्टम में, सिर्फ पोजेशन गई है गुड्स की। अब वो गुड्स को क्या कर सकता है, बेच नहीं सकता, गिरवी नहीं रख सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, डैमेज नहीं कर सकता। बट दूसरी अगर बात करें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, वो उसे क्या कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है गुड्स को, क्योंकि ओनरशिप उसे ट्रांसफ़र कर दी गई है। ठीक है, अब आ जाएगा, अब हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई थी ना कि आप बताइए कि हायर परचेजर क्या होता है, हायर वेंडर क्या होता है, कैश प्राइस क्या होता है, वो चीज़ बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा हायर परचेजर, जिसे हम हायरर भी कहते हैं। हायर परचेजर एक ऐसा पर्सन होता है जो गुड्स को बाय करता है ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर वेंडर कौन हो गया, हायर वेंडर वो पर्सन होता है जो सेल करता है गुड्स को अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। कैश प्राइस क्या होता है, मतलब वो प्राइस या वो मनी जो एक हायर, जो एक बायर देता है सेलर को अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। अब हायर परचेज प्राइस क्या होता है, हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है वो टोटल अमाउंट पेड बाय, जो मतलब हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है टोटल अमाउंट जो हायर परचेजर मतलब बायर जो है हायर परचेज एग्रीमेंट में पे करता है सेलर को। ठीक है गाइस, मतलब हायर परचेज प्राइस आप कह सकते हो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। मान लो एक पर्सन है एक्स, उसने बी से एक गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, ए ने खरीदे हैं बी से, मान लो 4000 के गुड्स हैं एंड उस पर 10% इंटरेस्ट उसने देना है। 4000 का 10% कितना हो गया, 400, तो 4400 हमारा क्या हो जाएगा, हायर परचेज प्राइस। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डाउन पेमेंट। क्या होता है डाउन पेमेंट, वो चीज़ होती है, मान लो अगर आप किस्तों में कोई भी चीज़ लेने जाते हो, इंस्टॉलमेंट में, ईएमआई में कोई चीज़ लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल एक 10000 का मोबाइल लेने जा रहे हो, तो आपको जो वो होता है सेलर होता है वो कहता है कि आपको कितनी डाउन पेमेंट, आपको 1000 रुपये या 10% आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। 10000 का फ़ोन लेने गए हो, 10% डाउन पेमेंट उसकी कितनी बनेगी, 1000 रुपीज़। तो जो आप पैसे पहले देते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ लेने को ऑन इंस्टॉलमेंट या हायर परचेस एग्रीमेंट के अंडर, उसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट। तो गाइज़ ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया जो हमारा 15 मार्क्स में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है वो आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायर परचेज सिस्टम, गिव जनरल एंट्रीज, बी पास्ड इन बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड वेंडर। ये 2012 में आया हुआ है। व्हाट आर द जनरल एंट्रीज टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ये आपका आया हुआ है 2014 में। एंड अकाउंटिंग सिस्टम में आपको एंट्रीज बतानी है हायर वेंडर और परचेजर की। ठीक है गाइस, तो अभी बताते हैं। सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है हायर परचेज सिस्टम का, जो मैंने वीडियो को शुरुआत में आपको बता दिया, आप एक बार पीछे करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल एंट्रीज हैं हायर परचेजर की बुक में, मतलब बायर की बुक में कौन कौन सी आएंगी एंट्रीज, वो देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस एंट्री आएगी फॉर एसेट परचेज, मतलब एसेट जो भी परचेज किया है बायर ने, उसकी क्या एंट्री आएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। नेक्स्ट आ जाएगी जो डाउन पेमेंट वो पे करेगा, ठीक है, मेड ऑन डिलीवरी में, उसकी क्या आएगी एंट्री, हायर वेंडर टू बैंक या फिर कैश। थर्ड एंट्री आएगी बायर की बुक में फॉर इंटरेस्ट ड्यू यू ऑन इंस्टॉलमेंट, मतलब इंटरेस्ट की एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। उसके बाद आएगी पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या आएगी, हायर वेंडर टू बैंक या फिर कैश। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन जो लगेगी एसेट्स पे, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, उसकी एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है गाइस, जो ये मैं आपको एंट्रीज बता रही हूँ ना, ये आपको अगर क्वेश्चन ये वाला आता है तो आपको ये सारी की सारी एंट्रीज जैसे मैं करवा रही हूँ आपको लिख के आनी है। आपके 12-13 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है, तो ये जनरल एंट्रीज ज़रूर लिख के आनी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ। और गाइस इसके जो नोट्स हैं वो आपको अगर चाहिए या मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट एंट्री आपकी आ जाएगी हायर वेंडर की बुक्स में, मतलब सेलर की बुक में है। सबसे पहले आपकी एंट्री आ जाएगी एसेट सोल्ड की, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर सेल्स। उसके बाद इनिशियल डाउन पेमेंट जो उसको रिसीव होगी, उसकी एंट्री आ जाएगी बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट। एंड उसके बाद आ जाएगी इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट की, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री आ जाएगी आपकी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। उसके बाद फोर्थ एंट्री गाइस आपकी आ जाएगी रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू
हायर परचेज, एंड उसके बाद आ जाएगी आपकी फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, इसकी एंट्री आपकी आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आपकी लास्ट एंट्री आएगी फॉर क्लोजिंग हायर परचेज सेल, इसकी आएगी हायर परचेज सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो गाइज ये आपकी एंट्रीज हैं, ये आपकी सेलर की बुक में और ये आपकी है बायर की बुक में। तो अभी हमने एंट्रीज भी पढ़ ली, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो फिर से इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज। ये 2012 एंड 14 में आया है, सॉरी 2012 एंड 2021 में आया है। उसके बाद आएगा आपका यही क्वेश्चन, डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने हैं हमें हायर परचेजर एंड वेंडर में। ये हमें अब ये क्वेश्चन जो ये वाला देख सकते हो ना, जो ट्रीटमेंट है हायर परचेजर एंड वेंडर की बुक में, अभी ऊपर जनरल एंट्रीज की हैं, ये वाला सारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रीपोसेशन ऑफ गुड्स, हाउ दे आर ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, ये हम करते हैं। एंड आपको बताना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रीपोजेशन ऑफ गुड्स का, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, रीपोजेशन ऑफ गुड्स क्या होता है, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था। रीपोजेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो एक पर्सन है, मैं आपको हर चीज़, आप मेरी वीडियोस देख लोगे, मैं आपको हर चीज़ एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें डेफिनेशन होती है एग्जाम के टाइम वो याद नहीं रहती है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए बताती हूँ ताकि जो एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल भी याद रहती है ना एग्जाम के टाइम, तो आप किसकी डेफिनेशन या मीनिंग आराम से लिख के आ सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल का ही सबसे पहले देखते हैं, रीपोजेशन ऑफ गुड्स का एग्जाम्पल है, एक पर्सन है ए, ए है बायर एंड बी है सेलर। ए कोई गुड्स परचेज करता है बी से, ठीक है, और मान लो वो परचेज करता है मोबाइल फ़ोन, ठीक है, स्मार्टफोन वो परचेज करता है बी से। अब ए के पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, पर उसकी ओनरशिप उसके पास नहीं आई, ठीक है, उसकी ओनरशिप उसके पास नहीं, सिर्फ पोजेशन है, मतलब मोबाइल की पोजेशन ए के पास है। अब क्या होता है कि वो दो तीन पेमेंट पे नहीं कर पाता, डिफ़ॉल्ट कर देता है। अब जो बी है उसके पास एक हक होता है कि वो रीपोजेस कर सकता है गुड्स को, मतलब वापस ले सकता है। अब वो ए से जो मोबाइल फ़ोन है क्या ले लेगा, वापस ले लेगा अपने हाथों में, उसको रीपोजेस ले लेगा, मतलब उसकी, मतलब उसको वापस ले लेगा। उसने मोबाइल फ़ोन ए को दिया था, वो दोबारा ले लेगा क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट किया है। तो रीपोजेशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है, अगर कोई बायर डिफ़ॉल्ट करता है इन द पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, तो वेंडर के पास ये हक होता है कि जो अपने वो गुड्स का पोजेशन है वो अपने गुड्स क्या कर सकता है, वापस कर लेगा। इसी गुड्स को वापस लेने को हम क्या कहते हैं, रीपोजेशन। और अगर हम बात करें क्या ये लीगली परमिसेबल है, मतलब ये लीगली हम ले सकते हैं गुड्स को वापस अंडर हायर परचेज सिस्टम, सो यस। अब टाइप्स ऑफ रीपोजेशन देख लेते हैं, कंप्लीट रीपोजेशन। कंप्लीट रीपोजेशन में जो हायर वेंडर होता है या फिर हायर जो सेलर होता है, हायर वेंडर का मतलब क्या होता है, सेलर, हायर वेंडर अपना जो गुड्स है उसे वापस ले लेगा पूरा का पूरा, कंप्लीट पोजेशन। इसका एग्जांपल देख लो, एक्स ने 3 मशीन सोल्ड की थी वाई को ऑन हायर परचेज बेसिस। अब एक्स क्या है, वाई से क्या करेगा, ठीक है, एक्स अपनी वाई से क्या करेगा, गुड्स वापस लेगा, क्योंकि उसने जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं करी थी 31 दिसंबर 2003 को। तो ये हो गया कंप्लीट रिपोजेशन, मतलब 3 मशीन उसने सोल्ड की थी, तीनों की तीनों उसने वापस ले ली, रिपोजेस ले ली। इस केस को हम कहते हैं कंप्लीट रिपोजेशन। नेक्स्ट आ जाएगा पार्शल रिपोजेशन। पार्शल रिपोजेशन में क्या होता है कि अगर वेंडर होता है वो पोजेशन लेता है गुड्स का, बट सिर्फ एक पार्ट ऑफ गुड्स का पोजेशन वापस लेता है, उसको हम कहते हैं पार्शियल रिपोजिशन। फिर से सेम एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स ने 3 मशीन सोल्ड की थी वाई को, अब वाई ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, तो एक्स सिर्फ 2 मशीन उससे वापस ले रहा है, एक उसके पास ही है, 2 वापस ले रहा है, मतलब उसने कुछ पार्ट वापस लिया, इसको हम क्या कहते हैं पार्शियल। पार्शियल का मतलब भी क्या होता है, कुछ पार्ट, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं ऑफ रिपोजिशन ऑफ गुड्स। सबसे पहले आ जाता है केस वन, जहाँ पे सिर्फ When there is a complete repossession of goods, जहाँ पे complete repossession of goods दे दिया गया है। एंट्रीज देख लेते हैं हायर परचेजिंग या फिर बायर की बुक्स में। पहले आ जाएगी क्लोजिंग हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। और दूसरी एंट्री हम देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, यहाँ पे कौन सी एंट्री आ जाएगी, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट गुड्स रिपोजेस अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। नेक्स्ट आ जाएगी हायर परचेजर की बुक में फॉर क्लोजिंग एसेट अकाउंट, ये एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है गाइज।
उसके बाद हम एंट्रीज देख लेते हैं हायर वेंडर की बुक में फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर्ड एंड रिकंडीशन। इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, गुड्स रीप्रोसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। थर्ड एंट्री आ जाएगी हायर वेंडर की बुक में फॉर सेल ऑफ रीप्रोसेस गुड। अब उसने जो गुड्स वापस ले लिया उसको सेल भी करेगा ना, उससे पैसा कमाएगा, उसकी एंट्री क्या आएगी, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीप्रोसेस्ड अकाउंट। फोर्थ एंट्री आ जाएगी फॉर क्लोजिंग गुड्स रीप्रोसेस अकाउंट। इसमें आ जाएगी अगर कोई लॉस होगा तो वो डेबिट साइड, फिर क्या होगा, डेबिट साइड एक्सीड करेगी क्रेडिट साइड के, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीप्रोसेस्ड अकाउंट। और सेकंड एंट्री आ जाएगी अगर जो अगर प्रॉफिट है क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है डेबिट साइड से, तो हमारा कौन सी एंट्री आएगी, गुड्स रीप्रोसेस्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये फर्स्ट केस था। और अगर दूसरा केस आ जाता है अगर पार्शियल लॉस होता है, पार्शियल लॉस के केस में फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आती है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। इसमें आपकी आ जाती है फर्स्ट एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एंड उसके बाद इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर या फिर सेलर की बुक में आपकी आ जाती है एंट्री गुड्स रीप्रोसेस अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट। ठीक है, और हायर परचेजर या फिर बायर की बुक में आपकी जो एंट्री है वो आपकी आती है पहली अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है फॉर रिकॉर्डिंग लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट। इस केस में आपकी एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और अगर हम हायर वेंडर की बुक में अकाउंट देख हायर वेंडर के बुक में देखें कौन सी एंट्री आती है, वो आती है गुड्स रीप्रोसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश। एंड उसके बाद आ गई अपनी हायर वेंडर की बुक में एंट्री फॉर सेल ऑफ रीप्रोसेस गुड बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीप्रोसेस अकाउंट। और क्लोजिंग फॉर क्लोजिंग ऑफ गुड्स रीप्रोसेस अकाउंट के केस में अगर आपका जो लॉस है डेबिट साइड ज़्यादा होती है क्रेडिट साइड से, तो आपकी जो एंट्री है वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीप्रोसेस अकाउंट। और अगर सेकंड केस में अगर प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है डेबिट साइड से, तो इस केस में आपकी एंट्री आएगी गुड्स रीप्रोसेस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गाइस ये क्वेश्चन भी यहाँ ख़त्म हो जाता है, हमने रीप्रोसेशन ऑफ गुड्स भी कर लिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा बनता है डिस्कस द मीनिंग एंड फीचर ऑफ हायर परचेज सिस्टम, व्हाट इज़ रीपोजेशन ऑफ गुड्स, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीपोजेशन इन बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड वेंडर। ये अभी हमने ये वाला ऊपर क्वेश्चन किया ना, ये वाला दिस वन, ये इसका आंसर है। ठीक है, सबसे पहले हम मीनिंग लिख दोगे हायर परचेजर का, उसके बाद रीपोजेशन ऑफ गुड्स जो मैंने अभी आपको करवाया वो लिख दोगे। अगर गाइज आपको इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एंड अगर मैं डिस्क्रिप्शन में करना भूल गई तो आप क्या करना कि मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ मेरी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। सर्च बार में आप जाके लिख देना मेरी वेबसाइट में, तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द मेथड ऑफ एसर्टेनिंग द प्रॉफिट वेयर गुड्स ऑफ रिलेटिवली सेल्स वैल्यू आर सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। और सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, राइट नोट ऑन हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इन हायर परचेज अकाउंटिंग। सबसे पहले मेथड हम शुरू करते हैं, तो फॉलोइंग मेथड्स यूज किए जाते हैं अंडर हायर परचेज सिस्टम। सबसे पहले आपका मेथड है वो आ जाता है डेटर मेथड। तो डेटर मेथड में क्या होता है कि अंडर द सिस्टम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट इज पेयर्ड। इस मेथड में डेटर्स मेथड में आपका एक अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनता है, क्या क्या जनरल एंट्रीज है वो देख लेते हैं। सबसे पहली जनरल एंट्री आ जाती है फॉर ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। इसमें आपकी एंट्री आती है, ये हायर वेंडर की बुक में आपको लिखनी है। ठीक है, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। एंड नेक्स्ट आ जाएगी इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट ड्यू और हायर परचेज डेटर अकाउंट। नेक्स्ट आ जाएगी गुड्स आपकी सोल्ड हो गई, उसकी एंट्री आपकी आ जाएगी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट। नेक्स्ट आपकी एंट्री आएगी फॉर कैश रिसीव्ड ऑन हायर परचेज कस्टमर बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। एंड नेक्स्ट आपकी रीपोजेशन ऑफ गुड्स की एंट्री आएगी, सेम वही गुड्स रीपोजेशन अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स की एंट्री आपकी आ जाएगी हायर परचेज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री आएगी इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। एंड लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग लगाओगे जब आप उसकी एंट्री आएगी स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। एंड लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जब आप लोडिंग लगाओगे क्लोजिंग स्टॉक पे उसकी आपकी एंट्री आएगी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट
टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, एंड जब आप लोडिंग लगाओगे सोल्ड ऑन हायर परचेजेस पे तो आपकी एंट्री आएगी गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, एंड प्रॉफिट ऑन लॉस की आएगी। अगर आपका प्रॉफिट तब आएगा जब आपकी क्रेडिट साइज ज़्यादा होगी, ठीक है, डेबिट साइज से, और तब आपका जो आएगा एंट्री वो आएगी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। एंड अगर लॉस आएगा मतलब डेबिट साइड ज़्यादा होगी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड से, तो आपका जो जनरल एंट्री वो आपकी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपका जो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट है उसका जो परफॉर्म है कुछ इस तरह से आप पेपर में एज इट इज़ बना के आओगे। सबसे पहले आपको जो डेबिट साइड आपकी आ जाएगी, आपका जो परफॉर्मेंस बनेगा पर्टिकुलर रुपीज़, एंड डेबिट साइड आपका आएगा टू ओपनिंग बैलेंस हायर परचेज स्टॉक, ठीक है, हायर परचेज प्राइस पे लेना है आपको, हायर परचेज डेटर टू गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज टू स्टॉक रिजर्व, इस पे आप लोडिंग लगाओगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपका क्रेडिट साइड आएगी बाय बैंक या कैश, जो डाउन पेमेंट होगी आपकी गुड रिपोजेस्ड अकाउंट आएगी, एंड स्टॉक रिजर्व जो लोडिंग लगाओगे आप बाय गुड्स स्टॉक सोल्ड ऑन हायर परचेज, ये भी आपकी लोडिंग लगेगी, एंड क्लोजिंग बैलेंसेज जो जो आपको गिवन होंगे जैसे हायर परचेज स्टॉक, और उसके बाद हायर परचेज डेटर, इंस्टॉलमेंट ड्यू, उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपका क्रेडिट साइड आएगा तो आपका लॉस आएगा, उधर रहेगा तो प्रॉफिट। नेक्स्ट मेथड आपका आ जाएगा स्टॉक एंड डेटर मेथड। इस मेथड में क्या है, आपको फॉलोइंग अकाउंट्स बनाने होते हैं। पहला आपको हायर परचेज स्टॉक अकाउंट बनाना होता है, हायर परचेज डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है, शॉप स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट एंड गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, ये सभी अकाउंट्स आपको बनाने पड़ते हैं। ये आप क्वेश्चन में इसी तरीके से लिख के आओगे जैसे आपको मैंने अभी कराया है। इसकी जनरल एंट्री भी आ जाएंगी आपकी फॉर परचेज ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश या क्रेडिटर, उसके बाद शॉप स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज ये आपकी एंट्री आएगी हायर परचेज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट, और टोटल इंस्टॉलमेंट बिकमिंग ड्यू इसकी आपकी एंट्री आएगी हायर परचेज डेटर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, कैश रिसीव की आपकी एंट्री आएगी बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज डेटर अकाउंट, उसके बाद आपकी आएगी एंट्री फॉर रिपोजेशन ऑफ गुड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये आपकी आएगी रिपोजेशन ऑफ गुड्स की एंट्री गुड रिपोजेस अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज डेटर टू हायर परचेज स्टॉक, एंड रिकॉर्डिंग ऑन अगर लॉस आएगा रिपोजेशन ऑफ गुड्स में उसकी केस में आप एंट्री क्या डालोगे हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, ठीक है। एंड अगर उसके बाद नेक्स्ट आपकी एंट्री आएगी लोडिंग की फॉर लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक विद हायर परचेज कस्टमर स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड जब आप लोडिंग लगाओगे क्लोजिंग स्टॉक पे उसकी एंट्री आएगी हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, एंड जब आप लोडिंग लगाओगे हायर परचेज पे गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज टू हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट कब आएगा, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट साइड से किस में हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट में, उस केस में आप एंट्री डालोगे हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट साइड से तो आप कौन सी एंट्री लगाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम, मेक इट कंपैरिजन विद इंस्टॉलमेंट सिस्टम, डिस्कस स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम अलॉन्ग विद जनरल एंट्रीज। ये 2013-2022 में भी आया हुआ है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें आप मीनिंग देखोगे, एंड डिस्ट्रिक्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया अभी ऊपर, ठीक है, वो अभी आप अगर आप वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो। और अब देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा लॉन्ग, व्हाट इज़ इंस्टॉलमेंट परचेज मेथड, गिव द जनरल एंट्रीज टू पास अंडर द सिस्टम इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड वेंडर। इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गुड्स सोल्ड होती हैं, ठीक है, एंड और जो बायर को एक फैसिलिटी दी जाती है जिसमें जो परचेज प्राइस है वो सर्टेन इंस्टॉलमेंट में वो क्या करेगा पे करेगा, इसमें ओनरशिप तुरंत ही क्या कर दी जाती है ट्रांसफ़र कर दी जाती है सेलर से बायर को, ठीक है। तो इसमें जो जनरल एंट्रीज आ जाती हैं, पहली जनरल एंट्री हमारी आ जाएगी जब हम एसेट परचेज करेंगे, उस केस में हमारी क्या आ जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और डाउन पेमेंट की एंट्री आएगी वेंडर टू बैंक, इंटरेस्ट की एंट्री आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, एंड पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की एंट्री आएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश, चार्जिंग डेप्रिसिएशन की एसेट्स की एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू एसेट एंड क्लोजिंग इंटरेस्ट की आपकी एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, ये हमने ऊपर कर ली है। अंडर की केस में हम कौन कौन सी एंट्रीज डालेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आपकी आ जाएगी एंट्री, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एंड डाउन पेमेंट की एंट्री आएगी, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट की आएगी जब आपके पास इंस्टॉलमेंट आ जाएगी उसकी जनरल एंट्री आएगी, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजर, क्लोजिंग इंटरेस्ट की आपकी एंट्री आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर क्लोजिंग सेल अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड की एंट्री आएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो गाइज ये आपका ये भी क्वेश्चन रेडी हो गया है, ये आपको 5 मार्क्स में आएगा। एंड उसके बाद ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, व्हाट डू यू, मतलब ये भी फ्रेम होके आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायर परचेज सिस्टम, डिफरेंशिएट इट विद इंस्टॉलमेंट सिस्टम मेनली फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका आया है 2018 में। एंड ये भी सेम आपको जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है एज इट इज़ वैसा ही आपको मिलेगा, पहले आपको हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग बताना है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ये आपको 5 मार्क्स में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये भी करवाया है, डिफरेंस भी करवा चुकी हूँ, उसमें भी आप एक बार ही चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं, मतलब इस चैप्टर में यही मेन क्वेश्चन है जो आपको फ्रेम होके आ सकते हैं फाइनल में। तो मतलब आप अगर ये वीडियो आपने एकदम पूरी देखी है, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करूँगी, एक आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, उससे आप क्या कर सकते हो कि इसके जो नोट्स हैं वो मैं वहाँ पर डाल दूँगी, चाहे मैं PDF डाल सकती हूँ या फिर इसके रिटन हैंड रिटन नोट्स डाल दूँगी। आप इसको क्या करना कि एक बार ही रीड आउट कर लेना, या उसके स्क्रीनशॉट्स लेके एक बार रीड आउट कर लेना ये वीडियो देखने के बाद, अगर आपने वो नोट्स रीड आउट कर लिए। और गाइज हाँ, इसमें मैंने जो आपको जर्नल एंट्रीज करवाई हैं वो भी आपको ज़रूर से लिख के आनी है। अगर आपको पूरी याद नहीं हो रही तो आप कुछ तो लिख के ही आओगे, मतलब अगर आपको 10 to 8 जर्नल एंट्रीज हैं, 4 to 5 तो आप लिख के ही आओ अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो इस क्वेश्चन में, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन में। तो गाइज मैंने, अगर आप एडवांस अकाउंटिंग की और चैप्टर की वीडियोस देखना चाहते हो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की देखना चाहते हो, ठीक है, बजटरी कंट्रोल, आप कॉस्ट मैनेजमेंट की देखना चाहते हो, लीफो मेथड वगैरह, सारे मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट की, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या ऊपर आई बटन में भी आपको आ रहा होगा, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वो भी प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगी सभी चैप्टर्स के। गाइज मैंने बना चुकी हूँ ये वीडियो बना चुकी हूँ सभी चैप्टर्स के एडवांस अकाउंटिंग के, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, और कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करूँ, बजटरी कंट्रोल, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये सारे मैं बना चुकी हूँ आपके लिए। आपने मुझे कहा था कि आप सभी बना दें तो मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट भी मैंने आपको बना दी है, वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं, सारी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं एडवांस अकाउंटिंग कॉस्ट मैनेजमेंट की इंग्लिश की, आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। सो गाइज़ अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। मैंने पहले भी काफ़ी आपके कमेंट्स आए थे तो मैंने उस पर भी वीडियोस बनाई हैं टॉपिक्स पे, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊंगी। तो गाइज़ meet you soon in the next video with the next topic. Thanks for watching this video, guys.